after this internship, I came to know about few things in physics, like moment of inertia and mass balancing and like that. I knew some softwares already, but this internship took it to the next level. Like if I know to model some cars in futuristic, but I didn't know where to use them. But here I learned about the software VREP, where I can use them to simulate the models. I have a stage fear, but after this I had many interviews, and this cleared my lack of English knowledge. My communication skills were improved. There is only one person who can do projects in my class. He has some technical background with his father, so can do some many big projects. No, none of the students in my class have done any project. Next to him, I am the person who have done an internship with IIT, and I can do some simulations and models by my own. हर इंसान है ना, कभी कभी ऐसा लगता है उसे कि वो लैग कर रहा है कहीं, या उससे ये नहीं हो पाएगा, मतलब तुमसे ना हो पाएगा भाई, इस टाइप की सिचुएशन जो रहती, तो उस टाइप में मतलब एज अ बैक बेंचर में मतलब स्किप करते चल रहा था अब तक. लेकिन जब से ई अंतरा के कॉम्पिटिशन में आया, या फिर जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तभी से नेचर ऐसा बना कि ये प्रॉब्लम आया, इसको तो अब तोड़ना है. जब मैं इंटर्नशिप में काम कर रहा था, तो मैं पूरा नया कंसेप्ट में काम कर रहा था, जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं. आई थिंक विरब भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना था जो हमारा फर्स्ट सेशन था उस टाइम. तो उस टाइम से लेकर फिर फ्यूजन 360 में मॉडल बनाना और उसको बालाजी की हेल्प से रन करना, सिमुलेशन उसका, तो ये सब चीज़ें सीखने में मतलब गिव अप करना मतलब छोड़ दिया इस टाइम में. जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मतलब जो मैंने इंटर्नशिप के पहले किया था, तो उसमें मैक्सिमम टाइम मतलब मैं क्या करता था, खुद से काम करता था. तो जब इंटर्नशिप में आया तो पता चला कि खुद से सब चीज़ें नहीं होती, तो फिर उसके लिए टीम की ज़रूरत पड़ती है. या उसके बाद मैं काफ़ी नया था, तो फिर बालाजी के हेल्प से या फिर सर की मदद से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था. व्हेन आई सॉ व्हाट इज़ आवर प्रोजेक्ट, आई थिंक अरे बाबा ये क्या हो गया, मतलब क्यों, मतलब ये क्या है कि कैसे कर सकते. तो उस टाइम पे एक्चुअली ऋषि सर इज ऑल्सो मराठी स्पीकर, सो हमने मतलब फर्स्ट टाइम जब हमारा कन्वर्जेशन हुआ तो वो मराठी में हुआ था. तो सर से बोला, सर ये मतलब मेरे लेवल का तो प्रोजेक्ट मैं कर ही नहीं सकता वगैरह. तो उस टाइम सर ने इनकरेज किया कि डोंट वरी, वी विल मैनेज द थिंग्स एंड यू वुड लाइक टू यू वुड लर्न दीज थिंग्स एंड एज पर यूर कॉन्ट्रीब्यूशन वी आर गिविंग यूर वर्क. सो उस हिसाब से फिर हमने किया, कुछ नया सीखने को मिला. तो उस टाइप में, और जब कभी भी ऐसा लगता था कि अब नहीं होगा वगैरह, तो उस टाइम पे ऋषि सर मदद करते थे, मतलब इनकरेजिंग का जो रोल था ऋषि सर का, तो वो बहुत अच्छा रहा. इफ वी गो टू द इंडस्ट्रीज फॉर इंटर्नशिप, देयर विल बी नो गाइडेंस एट ऑल, बट हियर वी यंत्र प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स आल्सो, व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द न्यू बिगिनर्स. जब कंपटीशन में एंटर किया था तब सोचा था ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बोलकर इसे छोड़ देंगे, मतलब जो सोलर ड्रायर था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपन मतलब सोलर ड्रायर एक थिंग है, अच्छी चीज़ है, जैसे मार्केट में उतर सकते, लेकिन कुछ एज अ इंजीनियर मतलब कुछ टेक्निकली ज़्यादा कर सकते हैं इससे ज़्यादा. तो उस हिसाब से अब हम सोच रहे हैं कि मतलब एक ई व्हीकल का प्रोजेक्ट है, और उसको हम ऑटोनॉमस ई व्हीकल बनाने की सोच रहे हैं. अब पहले लगता था कि टेक्निकल फैक्ट्स भी के वगैरह उस हिसाब से, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हाथ लगाना मतलब सारा डिफिकल्ट जाता था. लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसको भी फोड़ सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते.